नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम सल्फ्यूरिकम के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निवास से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम सल्फ्यूरिकम, सल्फेट ऑफ सोडियम ग्लोबेट साल्ट के नेट्रम सल्फ के सिम्टम। नेट्रम सल्फ्यूरिकम औषधि उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है जिनका रोग मौसम बदलने से बढ़ जाता है। नेट्रम सल्फ्यूरिकम औषधि उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जिनका रोग मौसम बदलने से बढ़ता है। इसके अलावा जो लोग समुद्र की हवा बर्दाश्त नहीं कर पाते उनके लिए भी औषधि काफ़ी उपयोगी है। विभिन्न रोगों में रोगों के लक्षणों में नेट्रम सल्फ्यूरिकम औषधि का प्रयोग, जैसे सिर से संबंधित लक्षण, रोगी के सिर के पीछे के हिस्से में बहुत तेजी से दर्द होने पर, कानों में इस प्रकार का दर्द होना जैसे कि किसी ने कोई नुकीली सी चीज चुहा दी हो, सिर का घूमता हुआ सा महसूस होना, खांसी होने पर रोगी को ऐसा लगता है जैसे कि उसका सिर फटने वाला है, कपाल का बहुत ज्यादा गर्म सा लगना, दाएं कनपट्टी में बहुत तेज दर्द लेकिन उसके होने से पहले अमाशय में जलन होना, सिर पर गिरने या दूसरे किसी प्रकार की चोट लग जाने के कारण होने वाली दिमागी परेशानियां आदि सिर के रोगों के लक्षणों के आधार पर रोगी को अगर नेट्रम सल्फ्यूरिकम औषधि दी जाए तो उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। कान से संबंधित लक्षण, कान के रोग के लक्षणों में रोगी के कान में बहुत तेजी से दर्द होता है, उसको लगता है कि कान के अंदर से खोदा जा रहा है, आर्द्र गर्म मौसम में कान के अंदर सुई चुभने जैसा दर्द होने में रोगी को नेट्रम सल्फ्यूरिकम औषधि देने से लाभ मिलता है। नाक से संबंधित लक्षण, रोगी को ठंड लग जाने के कारण उसके नाक में से पीले रंग का गाढ़ा और नमकीन सा श्लेष्मा निकलना, सर्दी जुकाम होना, नाक में से खून का आना, इस तरह के लक्षणों में नेट्रम सल्फ्यूरिकम औषधि का सेवन कराने से काफी लाभ मिलता है। आंखों से संबंधित लक्षण, आंखों के अंदर के सफेद भाग का पीला हो जाना तथा रोगी के रोशनी में आते ही आंखों का बंद हो जाना, जैसे आंखों के रोग लक्षणों में रोगी को नेट्रम सल्फ्यूरिकम औषधि देने से लाभ होता है। मुंह से संबंधित लक्षण, मुंह का स्वाद बिल्कुल खराब हो जाना, मुंह के अंदर तालू पर छाले से निकलना, मुंह के अंदर से सफेद गाढ़ा लेसदार चिपचिपा सा बलगम आना आदि मुंह के रोग लक्षणों में रोगी को नेट्रम सल्फ्यूरिकम औषधि का सेवन कराने से काफी लाभ मिलता है। आमाशय से संबंधित लक्षण, रोगी को खट्टी उल्टी होना, रोगी का पेट फूल जाना, रोगी के जीभ पर कत्थई रंग की कड़वे स्वाद वाली परत का जम जाना, जीभ का पीला हो जाना, रोगी को हर समय ठंडा पानी पीने का मन करना, रोगी को हर समय ठंडा पानी पीने का मन करता रहता है, गर्मी के कारण होने वाली उल्टी, पेट में गैस बनने के कारण सीने में जलन महसूस होना, जैसे लक्षणों में अगर रोगी को नेट्रम सल्फ्यूरिकम औषधि दी जाए तो उसके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होती है। पेट से संबंधित लक्षण, रोगी को मल के साथ आंव के जैसा पदार्थ आना, जिगर में जलन होना, रोगी को पीलिया रोग होना, गर्मी के कारण उल्टी होना, जिगर के छूते ही दर्द सा होना, ज्यादा टाइट कपड़े पहने नहीं जाते, बाईं तरफ लेटने पर दर्द का बढ़ना, पेट का फूल जाना, पेट और मलद्वार में बहुत तेजी से जलन का होना, मल का तेजी से आना, मल का पानी जैसा पीले रंग में आना, गंदी गैस छोड़ते समय मल का आ जाना, नमीदार मौसम के बाद सुबह के समय तरल मल का आना, जैसे लक्षणों के आधार पर रोगी को नेट्रम सल्फ्यूरिकम औषधि का सेवन कराने से लाभ मिलता है।
स्त्री रोग, स्त्री रोग से संबंधित लक्षण, मासिक स्राव के समय नाक में से खून का आना, मासिक स्राव के समय नाक में से खून का आना जो तीखा और बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, मासिक स्राव के दौरान आहार नली में जलन होना, परिसर्पीय योनि में सूजन आना, स्त्रियों में पुरुषों के होने वाले सुजाक रोग की तरह योनि में से हरा पीला सा पानी आना, योनि में से पानी आने के साथ गले की खराश होने जैसे लक्षणों में रोगी को नेत्रम सल्फ्यूरिक अम्ल देने से लाभ होता है। मूत्र पेशाब संबंधित लक्षण, रोगी को बार बार और ज़्यादा मात्रा में पेशाब आता है जिसके कारण रात को उठकर कई बार पेशाब करना पड़ता है। पेशाब के साथ चीनी का आना, पेशाब के साथ ज़्यादा मात्रा में स्राव का आना, पेशाब में ईंट के चूरे जैसा तलछट का आना, पेशाब के साथ पित्त का आना जैसे लक्षणों में रोगी को नेत्रम सल्फ्यूरिक अम्ल का सेवन कराना काफ़ी लाभकारी रहता है। सांस से संबंधित लक्षण, रोगी को सांस लेने में परेशानी होना, खासकर आर्द्र गर्म गर्म नमीदार मौसम में खांसी इतनी जोर से उठती है कि रोगी के हाथों से छाती को थामना पड़ता है। रोगी को दमने का दौरा पड़ता है, रोगी को दमने का दौरा सुबह चार से पाँच बजे के बीच में उठने के साथ छाती में गड़गड़ाहट होना, रोगी को खांसी होने के साथ हरे रंग का बलगम निकलता है, रोगी को गहरी लंबी सांस लेनी पड़ती है, रोगी को रात को सोते के समय इतनी तेज खांसी होती है कि उसको उठकर बैठना पड़ता है, हर बार ठंडी हवा लगने से दमे का दौरा पड़ता है, इन सारे लक्षणों में रोगी को नेत्रम सल्फ्यूरिक अम्ल का सेवन कराना काफ़ी लाभकारी रहता है। पीठ से संबंधित लक्षण, रोगी को कपड़े उतारते समय पीठ में खुजली होने लगती है, कपड़े उतारने में पीठ में खुजली होती है, गर्दन के पीछे के हिस्से और दिमाग के हिस्से में बहुत तेजी से उठने वाला दर्द, अश्कंद फलकों, पीठ का आकार धनुष के जैसा हो जाना, इस तरह के लक्षणों में रोगी को नेत्रम सल्फ्यूरिक अम्ल का सेवन कराना लाभकारी सिद्ध होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, रोगी की कक्षा ग्रंथियों में सूजन का आना, नाखूनों की जड़ के चारों तरफ जलन सी होना, पैरों के तलुओं में जलन महसूस होना, पैरों में पानी भर जाना, पैरों की उंगलियों के बीच में खुजली होना, गठिया का दर्द जो गर्म और ठंडे मौसम में ज़्यादा होता है। शरीर के अंगों में दर्द होने के कारण रोगी को बार बार अपने बैठने की जगह बदलनी पड़ती है, दर्द के कारण रोगी को अपनी जगह बदलनी पड़ती है। शरीर पर कटे फटे से जख्म पैदा होना, नितंब के जोड़ों में दर्द होना, घुटनों का कठोर हो जाना जैसे लक्षणों में नेत्रम सल्फ्यूरिक औषधि का सेवन लाभकारी रहता है। चर्म रोग, त्वचा से संबंधित लक्षण, रोगी को सर्दी वाले मौसम में एक्जिमा से पानी निकलता है, रोगी जब कपड़े उतारता है तो उसे खुजली चालू हो जाती है, कपड़े उतारने के बाद खुजली होती है, रोगी के पूरे शरीर में सुर्ख मस्से से निकल जाते हैं। इन सारे लक्षणों के आधार पर रोगी को नेत्रम सल्फ्यूरिक अम्ल का सेवन कराने से लाभ मिलता है। पुरुष से संबंधित लक्षण, पुरुष रोग, रोगी को सुजाक रोग होने के कारण पीले हरे रंग का स्राव का आना, रोगी को स्राव गाढ़ा और दर्द के साथ आता है, शाम के समय में रोगी की यौन उत्तेजना तेज होने के कारण उसके सम्मुख करने की इच्छा तेज हो जाती है। इस तरह के पुरुष रोगों के लक्षणों में रोगी को नेत्रम सल्फ्यूरिक अम्ल देने से आराम मिलता है। वृद्धि, ठंड लगने के कारण पानी वाले या सीलन वाले स्थान में रहने से, पीठ के बल लेटने से, बाई करवट लेटने से, किसी तरह की हरकत करने से और सुबह के समय रोह बढ़ता है। शमन, दबाने से, स्थान बदलने से गर्म मौसम में रोग कम हो जाता है। पूरक, आर्सेनिक, थूजा, तुलना नेत्रम सल्फ्यूरिकम औषधि की तुलना नेत्रम सिक्सनेटा
मलेरिया ऑबिसिडियालिस नेट्रम मेकोलिनिकम इत्यादि इत्यादि से आप कर सकते हैं मात्रा डोजेज रोगी को नेट्रम सल्फ्यूरिकम औषधि की 1x से 12x शक्ति के विचूर्ण देने से लाभ मिलता है। हम अपने अगले वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर भरपूर जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।